प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूँ। आज के मनन के लिए हम एक पद कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की छठवा पद से पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय की छठवा पद में हम पढ़ते हैं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करकर ग्रहण किया वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रियो, वचन आज हमें याद दिलाते हैं हमारी मसीही जीवन को जांचने के लिए, मसीही जीवन को और भी गौर से देखने के लिए। वचन आज हमें याद दिलाते हैं, अगर तुम प्रभु यीशु को, यीशु मसीह को प्रभु कर ग्रहण किया है तो उनके साथ चलो। प्रियो, हमारा मसीही जीवन के साथ जो संबंध है वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है। आजकल मसीहत में ऐसा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म के दौरान देखते हैं, कुछ रीति रिवाज कर कुछ लिखा हुआ नियम के आधार पर मसीहत को निभाने के लिए कोशिश करते हैं प्रिय लोग। लेकिन अपने जीवन को जब हम देखें, अपने हृदय को देखें कि मेरी अंदर की रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है या एक धर्म की दौरान एक धर्म की नज़रिए से मैं उसको देखते हैं। अगर धर्म की नज़रिए से मैं कोई भी एक बात को देखें, उसका ताकत और शक्ति मेरे जीवन में दिन ब दिन कम होते जाएंगे प्रियो, उसमें कम होते जाएगा, क्योंकि कुछ 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 ना कुछ लिखा हुआ नियम को आज्ञाकारी होकर के मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कराने वाले में से बनेंगे। लेकिन वो एक यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता एक व्यक्तिगत संबंध हो, एक व्यक्तिगत रिश्ते हो, तो उस व्यक्तिगत रिश्ते में दिन ब दिन में बढ़ जाएंगे प्रियो, उसमें एक बढ़ावा मेरे जीवन में। देखो, एक पति पत्नी के जीवन में भी देखो, पति पत्नी के जीवन में एक पत्नी पति को प्रसन्न कराने के लिए, उसको खुश कराने के लिए खास करके कुछ नहीं करती। अगर उससे हम पूछे तो वो हमें ऐसा जवाब देंगे, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन मैं उनके साथ दिन ब दिन जीते हैं और उनके साथ मेरा जीना मेरा अनुभव है। प्रियो, हमारी जीवन भी मसीही जीवन एक अनुभव के समान होना चाहिए प्रियो, एक अनुभव। कोई भी एक नियम कर कोई भी कुछ रीति रिवाज कर जो इतवार के दिन चर्च में जाना या कुछ न कुछ बात कर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कराने वाले में से नहीं बनना, बल्कि यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता, मेरी हृदय की अंदर से, मेरी हृदय की गहराई से एक रिश्ता अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं जुड़ लिया होता। दूसरा कुरिंदियों की पत्री 11 अध्याय में प्रेरित पौलुस जब कुरिंदियों की लोगों को जब लिखता है, उसको ये आते हैं कि मैं तुम्हारी बात ऐसा एक पुरुष के साथ किया है कि तुम सबों को एक पवित्र कुवारी जैसा, एक पवित्र कुवारी जैसा उनके हाथों में सौंपूं। और मैं डर जाता हूं जैसा सांप ने हव्वा को बहकाया था, चतुराई से बहकाया था, ऐसा उसका सीधाई और पवित्रता से कोई तुमको नष्ट नहीं करना। तुम्हारी उस पवित्रता में से, तुम्हारी उस सीधाई में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता हो, तुम्हारा संबंध हो, उस सीधाई में से तुमको कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट या मेरी जीवन का ही कोई हरकत, मेरी जीवन का ही कुछ बात तुमको उस रास्ते में से फिसल नहीं लेके जाना प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में मेरी मसीही जीवन को देखे प्रियो, उसको जांचो। मुझे मेरी हृदय के अंदर यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है या उनके साथ एक धर्म के दौरान एक रिश्ता है, ये दोनों बातों को देखना। मेरे अंदर ही अंदर एक रिलेशन होना प्रियो, एक रिलीजियन नहीं, एक रिलेशन होना, एक व्यक्तिगत रिश्ता होना उनके तरह। इसलिए देखो, पत्रस का पत्री में ऐसा लिखा है, तुम्हारा हृदय में मसीह को प्रभु जानकर उसको पवित्र करने के लिए बताया। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र कर अपने दिन ब दिन का जीवन लेके जाना। यीशु मसीह को पवित्र करना, इनका मतलब हमेशा वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ हर एक बात में, वो मेरे साथ है, ये एहसास मेरे अंदर हो करके मेरे मसीही जीवन को मुझे आगे लेके चलना है प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।